कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रमजान के महीने में भी मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पाबंदी लगा दी है, मगर मुस्लिम समाज ने इस पाबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोमवार को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के बैनर तले शहर विधायक रफीक अंसारी और संगठन के पदाधिकारी सफीरुर्रहमान के साथ मुस्लिम समाज के दर्जनों लोग डीएम कार्यालय पहुंचे। कारी सफीरुर्रहमान ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव की सभाओं में रोज सैकड़ों की भीड़ जुट रही है, कुंभ मेले में भी लाखों लोग एकत्र हो रहे हैं। इसके बावजूद ही प्रदेश सरकार ने मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए रमजान के महीने में मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोरोना क्या सिर्फ मस्जिदों से ही फैलेगा। मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भाई ये मांग हमारी खुली हुई है कि सीएम साहब ने ये आदेश कर दिए हैं कि तमाम धर्म स्थलों के अंदर 5 आदमी जाएंगे, तो भाई हम ये दरख्वास्त लेकर आए। जब सुबह से शाम तक हर जगह पर भीड़ इकट्ठा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, कोई मास्क का इस्तेमाल भी नहीं है, इलेक्शन भी हो रहे हैं, मार्केटें भी खुल रही हैं, चाय खानों पर लोग बैठे हैं, मार्केट में लोग इकट्ठा हैं, तो जब वहाँ के लिए कोई पाबंदी नहीं है तो धर्म स्थल में तो सबसे ज़्यादा पाक होके जाता है आदमी। वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजा में जाए, जहाँ भी जाए पाक होकर जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर रहा है, मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है 5 के पढ़ने की? भाई हम ये इसलिए एप्लीकेशन दे रहे हैं सीएम साहब की खिदमत में कि भाई इस रमज़ान के महीने में हमें इबादत करने का मौका दिया जाए और हमारे साथ रहम का मामला करें। ये मैं जितनी भी, इसमें क्या बात है भाई, हमेशा से मस्जिदें भरी रहती हैं, अब आप जितनी परमिशन हमारे लिए जितनी देना चाहें दे दें तो सही। हाँ शहर विधायक और मुस्लिम समाज के लोग ज्ञापन में जाए थे, क्या मांग लेकर आए थे और आपकी तरफ से क्या आश्वासन? अभी कोरोना के केसेस का जो फैलाव है, जिस तेज़ी से वो इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। आज की परिस्थिति एक तरह से हम सबको इस गंभीरता को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, तो इसको लेके प्रदेश सरकार द्वारा कुछ नवीन निर्देश जारी किया गया है और उसके क्रम में कुछ लोग अपनी ज्ञापन दिए हैं और उन सबको हम लोग हमारी बात को रख रहे हैं, किन परिस्थिति में ऐसे आदेश जारी हुआ और किन परिस्थिति में ऐसे आदेश की आवश्यकता रही है, और हम सबसे अनुरोध किए हैं कि इस व्यवस्था के तहत हम सब लोग काम करें ताकि जो संक्रमण है उसको हम लोग नियंत्रित कर सकें।